बहुत सारे मोदक बना भी लिए और खा भी लिए। आज मैं लाई हूँ बिल्कुल डिफरेंट और टेस्टी मोदक। ये है आइसक्रीम मोदक, आप इसे चॉकलेट मोदक भी कह सकते हैं और चॉकलेट की शेप में भी बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आपने आइसक्रीम तो बहुत खाई होगी, मोदक भी बहुत खाए होंगे। आज हम बनाएंगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, आइसक्रीम मोदक। ये बेसिकली वाइट चॉकलेट से बनते हैं। इसको कैसे बनाते हैं इसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए। आइसक्रीम मोदक बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। सबसे पहले लेना है हमें वाइट कंपाउंड चॉकलेट। मैंने ये मोडे कंपनी का लिया है, आपको ये अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसका वेट है 400 ग्राम और इसका प्राइस है 235 रुपीज़। पहले हम इसे निकाल लेते हैं। इसमें ऐसे 4 स्लैब्स होते हैं, मैं अभी 200 ग्राम से ही बना रही हूँ। इसे हम पतला पतला कट कर लेंगे, हमें बिल्कुल पतला पतला ही काटना है। ज़्यादा मोटे मोटे पीसेस करेंगे तो हमें मेल्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। अब लेंगे क्लीन बोल, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगा होना चाहिए। और जो हमने चॉकलेट काटी है वो हम इसमें डाल देंगे। इस चॉकलेट को हमें डायरेक्ट नहीं पकाना, हम इसे डबल बॉयलर पे पकाएंगे। पहले एक बड़ा सा कोई भी बर्तन लेंगे, उसमें एक स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह की छन्नी भी ले सकते हैं। जब पानी अच्छे से उबलने लगेगा तब हम ये चॉकलेट का बोल उसके ऊपर रखेंगे। और फ्लेम को हम ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे हम इसे मेल्ट करेंगे। 5 से 7 मिनट में ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। जब ये अच्छे से मेल्ट होने लगे तब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच देसी घी। इससे इसका टेस्ट एकदम बर्फ़ी जैसा हो जाता है और ये अच्छे से सेट भी हो जाती है। अब देखिए चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब हम इसे स्टीम से उतार देंगे, यानी कि गर्म पानी से हटा देंगे इसको हम, क्योंकि अच्छे से मेल्ट हो गई है बिल्कुल। और इसे हल्का सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। मेरे पास है ये टूटी फ्रूटी, मैं इसमें टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। आप चाहें तो बादाम, काजू, किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 3 चम्मच भर के टूटी फ्रूटी डाली है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब लेंगे हम मोल्ड, मेरे पास है ये मोदक मोल्ड, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी मोल्ड आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक प्लेट में बटर पेपर लगा के भी आप इसे डालेंगे और उसको बाद में अपनी मनचाही शेप में काट देंगे तो ये सेट हो जाएगा। ये देखिए मैं अच्छे से फिल कर रही हूँ इसमें, और इसे अच्छे से टैप कर देंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। मेरे पास ये लड्डू का डब्बा खाली हुआ था, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और सुखा लिया है। ये याद रखिए कभी भी इसमें पानी का टच नहीं होना चाहिए, पानी से ये चॉकलेट ख़राब हो जाती है। ये देखिए मैंने इसमें फिल कर दिया है, चॉकलेट डिस्क हमारे इससे बन जाएंगे अच्छे से। इसे भी हम फ्रिज में रख देते हैं 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। ये देखिए हमारे ये वाले मोदक वाले जो मोल्ड हैं वो सेट हो गए हैं एकदम। देखिए कितने क्यूट से, छोटे से, प्यारे से मोदक लग रहे हैं ये। इसी तरीके से मैंने सारे मोदक डीमोल्ड कर लिए हैं इससे। इन मोदक से गणपति जी तो खुश होंगे ही, बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखिए डिस्क भी हमारी सेट हो गई है, इसे भी हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। चॉकलेट मोदक हमारे सर्व करने के लिए एकदम रेडी हैं। आप इसे चॉकलेट सिरप से भी गार्निश कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।